उत्तराखंड में पड़ रही रिकॉर्ड तोड़ गर्मी ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। प्रदेश के मैदानी इलाके से लेकर पहाड़ तक अब तप रहे हैं। एक ओर जहां पहाड़ों पर छुट्टियां मनाने पहुंच रहे लोगों को भी भीषण गर्मी के कारण परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, तो वहीं दूसरी ओर देहरादून की गर्मी दिन पर दिन बढ़ती ही जा रही है। गर्म हवाएं लोगों का हाल बेहाल कर रही है, जिसको लेकर स्वास्थ्य सचिव डॉक्टर आर राजेश कुमार ने कहा कि स्वास्थ्य विभाग द्वारा सीएमओ और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को सतर्क रहने के लिए कहा गया है। साथ ही साथ अस्पतालों में भी कलर और एक्स्ट्रा बेड को तैयार करने के निर्देश भी दिए गए हैं। साथ ही साथ जगह जगह अस्पतालों में और छोटे स्वास्थ्य केंद्रों में भी कूलर लगाने की बात कही गई है। इस प्रकार से बढ़ती गर्मी को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग पूरी तरीके से तैयार है। देखिए, हीट वेव के संबंध में हमने सभी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को सीएमओ को हमने अवगत करा दिया है, और जहां तक हॉस्पिटल्स का सवाल है, हमने प्रॉपरली डेजिग्नेट करने के लिए कहा है कुछ शेड शेड एरिया जहां पे अगर कोई ऐसा पेशेंट इमीडिएटली पाया जाता तो इमीडिएटली हम उसको वहां पे ले जाएं, और हर जगह पे कूलर्स और पानी की व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए हमने कहा है, और कुछ बेड्स भी हमने डेजिग्नेट करने के लिए कहा है हॉस्पिटल्स को, ताकि इमीडिएटली उनका ट्रीटमेंट उपचार हम लोग प्रचलित करने की